पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नित दिन किसी ना किसी मुसीबत दे विच घिरे रहिंदे ने ते लंघी रात ईडी ने चन्नी दे भाणजे नूं गिरफ्तार कर लिया। भुपिंदर हनी नूं गिरफ्तार किया गया है ते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहला बयान दिता है कह के कानून अपना काम करे सानू कोई इतराज नहीं है। एक बार फिर अपना बयान दोहरांदिया कहा कि कानून अपना काम कर सकता है सानू इस ते कोई इतराज नहीं है। कानून अपना काम करे सानू कोई इतराज नहीं है लेकिन मैं कह चुकी हाँ कि कानून अपना काम करे सानू कोई इतराज नहीं। चरणजीत सिंह चन्नी दे हक दे विच उन्हां दे कैबिनेट मंत्री भी नित्रे ने जिथे बिक्रम सिंह मजीठिया जां फिर दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिखे निशाने साधे ने उत्थे सुखजिंदर सिंह रंधावा जिहड़े कि पंजाब दे डिप्टी सीएम ने जिन्हां ने सिद्धू दे नाल रल के मिल के कैप्टन अमरिंदर सिंह दा तख्ता पलटा दिता सी। उन्हां ने बयान दिता है कि यह रेड है जिहड़ी जां फिर ईडी दे वल्लों कीती गई गिरफ्तारी है वह केंद्र सरकार दे इशारे ते हो रही है। ईडी ने उहदे च अपनी ऑब्जरवेशन दित्तियां बिक्रमजीत मजीठिया ने असी कीती ते जे ये बंदा अरैसट हो सकता तो बिक्रम मजीठिया जिहड़ा क्यों नहीं किया ये वेंडेटा कर रही है और बीजेपी जान बुझ के क्योंकि बीजेपी अकाली दल दोनों कट्ठे ने। कौमी कांग्रेस ने भी बयान जारी किया वह भी थोड़ा दसांगे। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने कहा है कि बीजेपी ये राजनीति पहला भी दूसरे सूबों के चोणों दौरान कर चुकी है पर उत्थे भी मूँह दिखाणी पई हुण भी भावें वह दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते कांग्रेस नूं दबाउणा चाहुंदी है पर अखीर विच पंजाब च कांग्रेस ही जित हासिल करेगी। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि जेकर कार्रवाई करनी ही करनी ही है तो बीजेपी अपने चहेतियां ते भी बराबर कार्रवाई करे बिक्रमजीत मजीठिया ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी कार्रवाई होवे क्योंकि उन्होंने भी ईडी के मामले दर्ज ने। तृप्त रजिंदर बाजवा ने फिर कहा कि रेड बीजेपी के इशारे ते ही हो रही है ते बीजेपी कुछ नवा नहीं कर रही ए हरेक सूबे दे विच जो चोणा हुंदियां ने तां अजिहा कुछ करदी है। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के हक विच डटदियां कहा कि सारी जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है वह चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल खड़ी है पंजाब दे लोक भी मुख्यमंत्री चन्नी दे नाल खड़े ने कांग्रेस दे हक विच खड़े ने। कांग्रेस पार्टी दे मुख बुलारे रणदीप सुरजेवाला ने भी दावा किया है कि यह जिहड़ा कदम है ईडी दा वह दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं चोर दरवाजे ही मदद करने के लिए बीजेपी के वालों चुकया गया है सेंटर सरकार के वालों चुकया गया है यानी कि केंद्र सरकार ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पंजाब दे विच मिले होने का वड्डा इल्जाम लाया। हुण गल करदे आं विरोधी पार्टियां की कह रही ने आम आदमी पार्टी की कह रही है जां फिर श्रोमणी अकाली दल की कह रहा है। अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि सारा मामला चन्नी हनी ते मनी दा है। मजीठिया ने कहा है कि तीन लोगों की कहानी है चन्नी हनी ते मनी पहला फड़िया गया मनी फिर हनी फड़िया गया ते हुण चन्नी दी वारी है। हनी दी पछाण सिर्फ इन्नी है कि वह चन्नी दी साली दा पुत्तर है उसनों किस बिना ते सीएम सिक्योरिटी दिती गई वह जिहड़े पैसे कमा रहा सी जां संभाल रहा सी जो पैसा फड़िया गया वह सारे चन्नी दे पैसे ने हनी दे पैसे है ही नहीं कहिंदे वह तां एक तरीके दे नाल चन्नी दा खजानची है सारा पैसा गैर कानूनी तरीके नाल फड़िया गया ते सारा पैसा पंजाब दे लोकां दे खजाने दी लुट है। इन लोगों की कहानी है ये चन्नी हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया अब हनी पकड़ा गया अब चन्नी की बारी है क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है जो रिकवरी हुई है वो सारे पैसे चन्नी के हैं वो हनी के पैसे नहीं है। हनी तो एक उसका एक तरीके से ट्रेजरर है खजानची है और ये सारे पैसे इलीगल गॉटन वेल्थ है ये सारे पैसे पंजाब के लोगों के खजाने की लूट है। ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किवें पिछे रह सकते ने चरणजीत सिंह चन्नी दी गल होवे जां फिर कांग्रेस दी गल होवे तां अरविंद केजरीवाल हमेशा बयान दिंदे ने भगवंत मान दा बयान भी हो सकता है थोड़ी देर तक आ जावे। केजरीवाल ने कहा कि चन्नी ने तां 111 दिनां विच ही कमाल कर दित्ती। पत्रकारां ने सवाल पुछया तां केजरीवाल ने कहा कि लोकां नूं भ्रिष्टाचार करन दे विच 4-5 साल लगदे ने बदकिस्मती है लोक देख रहे ने इसे लई लोक ईमानदार सरकार चाहुंदे ने पर इत्थे तां चन्नी साहब ने 111 दिनां दे विच ही कमाल कर दिता बाकी लोग जिथे 4-5 साल ला दिंदे ने भ्रिष्टाचार करन नूं पर चन्नी साहब ने थोड़े दिनां दे विच ही सारा कुछ दिखा दिता ते लोक हुण इक ईमानदार सरकार चाहुंदे ने। उन्होंने 111 दिन में कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में और फिर
उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया, इतना करप्शन किया, इतना करप्शन किया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक ईमानदार सरकार चाहिए। सो ये सारा कुछ जिहड़ा चल रहा है पंजाब कांग्रेस ते जां फिर पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं जिस तरीके दे नाल लपेटे दे विच लिया जा रहा है, ये कि सचमुच सियासत है जां फिर ये सच्चे इल्जाम ने, सच्चे दोष ने, ये तां हुण जांच तो बाद ही पता लगेगा। पर जिहड़ी खबर वह उदों पक्षी है जदों वीरवार की रात को चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भांजा कहा जाता है भुपिंदर सिंह हनी उसनू रेते की गैर कानूनी माइनिंग नाल संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले दे विच ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वीरवार देर रात को पीएमएलए दी धरावां के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तो पहला हनी तो जलंधर स्थित एजेंसी के दफ्तर विच कई घंटे पुछ पड़ताल भी की गई। सूत्र दसते हैं कि हनी सवालों के जवाब देने तो टाले वट रहा, इसलिए ईडी ने उसनू हिरासत दे विच ले लिया।